मशरूम प्रोटीन और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ये सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। ये एक प्रकार का कवक है जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर अपने आप ही उग जाता है। हालांकि ये भी सच है कि सभी तरह के मशरूम खाए नहीं जाते हैं, कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे खतरनाक और जहरीले मशरूम की प्रजाति का पता लगाया है जिसे खाना तो दूर की बात, केवल छूने मात्र से ही बीमार हो सकते हैं। लाल रंग का ये जहरीला कवक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हालांकि इससे पहले जानकारों का मानना था कि ये कवक जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में ही होता है, लेकिन ये कवक ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भी मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहरीले कवक की वजह से जापान और दक्षिण कोरिया में कई लोगों की मौत हुई है। लोगों ने इसे पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य कवक समझकर चाय में मिलाकर पी लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कवक इतना जहरीला होता है कि इसे खाने से ऑर्गन फेल होने लगते हैं, इंसान के अंग काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग को भी नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, इस कवक को छूने मात्र से ही शरीर में सूजन हो सकती है। पोडोस्टोर्मा कॉर्नोडामा नामक इस जहरीले कवक को सबसे पहले चीन में साल 1895 में खोजा गया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस कवक को इंडोनेशिया और न्यू पापुआ गिनी में भी देखा गया है।